हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंस्टाग्राम पेज हीलिंग विद हिजामा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि हैं स्किन डिसऑर्डर्स, स्किन डिजीजेस, जिसको चर्म रोग भी लोग बोलते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है अपन का एलर्जी, जो कि एलर्जी किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से हो सकती है, कोई भी दवाई के साइड इफेक्ट, किसी भी चीज़ से रब होने की वजह से हो जाती है लोगों को। सेकंड आता है अपन का एक्जिमा। एक्जिमा भी दो तरीके के होता है। एक एक एक्जिमा होता है जो कि होता है ड्राई। ड्राई एक्जिमा में क्या होता है कि जिस बॉडी पार्ट में या फिर जहाँ पर भी एक्जिमा होता है वहाँ पर वाइट स्केल्स जम जाते हैं और डेड स्किन वहाँ हो जाती है, तो वो एक तरह से वहाँ पर खुजली मचने लगती है लोगों को। और ड्राई एक्जिमा में क्या होता है, उसी जगह पे जिस जगह आपका एक्जिमा होता है वहाँ से आपका फ्लूइड, पानी निकलने लगता है, पस निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, तो उसको अपन वेट एक्जिमा बोलते हैं। देन आते हैं अपन पिंपल्स पे। तो पिंपल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। तो एक्यूट में तो नॉर्मल आपके पिंपल्स कहीं पर भी हो जाते हैं, नॉर्मल पिंपल्स जो होते हैं वो होते हैं। और क्रोनिक में क्या होता है कि एक ही जगह पे ज़्यादा पिंपल्स होना। फॉर एग्जांपल आपको पूरा पिंपल्स, पूरा हेड वर्जन, पूरा फोर हेड में पिंपल्स हो जाना, पूरा एकदम वो हो जाना, तो ये एक क्रोनिक पिंपल्स में आता है। तो क्रोनिक पिंपल्स जो होते हैं वो उसको उससे बनकर चेहरा थोड़ा भद्दा लगने लगता है, और जो कि फेस को पूरी तरह से डल कर देता है, और जो एक तरह से फेस अच्छा नहीं लगता लोगों को देखने में। देन अपन बात करते हैं हार्मोनल पिंपल्स को। हार्मोनल पिंपल्स एक डिफरेंट टाइप के पिंपल्स होते हैं, जो कि ओनली अपन के फेस पे ही नहीं, अपन के पूरी बॉडी में हो जाते हैं। छोटे 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 दाने होते हैं आपके बॉडी पे, हर जगह हो जाते हैं आपके फुल बॉडी में, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिसको अपन हार्मोनल पिंपल्स बोलते हैं। हार्मोनल पिंपल्स आपका किसी भी तरीके से हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी तरीके से आपका हार्मोन इम्बैलेंस हुआ, या आपका थायराइड ज़्यादा बढ़ गया, थायराइड घट गया, उससे हो जाता है। बाकी कोई भी चीज़ आपको रिएक्ट कर गई उससे हो जाता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से जो होता है एक्ने, उसको अपन हार्मोनल पिंपल्स भी बोलते हैं, हार्मोनल एक्ने भी बोलते हैं। और उसके बाद आता है अपन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा कंटेजियस और सबसे ज़्यादा फैलने वाली चीज़ जो होती है वो होता है फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल की टाइम में बहुत ज़्यादा फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहे हैं। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन होता क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन होता है आपके किसी बॉडी पार्ट में, कोई भी पार्ट में आपका बॉडी पार्ट में रेड हो जाना, उस पूरी एरिया में रेड हो जाता है और फिर उसमें खुजली मचती है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है बहुत जल्दी स्प्रेड होता है आपके आपके अंदर अंदर स्प्रेड जल्दी होता है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर आपका हुआ, यहाँ पर आपने खुजाया, आपने वही हाथ यहाँ पर लगा दी, वही हाथ आपने यहाँ लगा दिए, तो वो हर जगह फैल जाएगा, पूरे बॉडी में धीरे धीरे फैलता चला जाएगा। आपकी बॉडी में नहीं, आपके सराउंडिंग एरियाज, आपके साथ में जो लोग रहते हैं उनमें भी फैल जाता है, कपड़ों से फैल जाता है। आपके जो यूज़ करे हुए कपड़े कोई और पहन ले, या फिर साथ में कपड़े धुल रहे हों, उसके वजह से भी दूसरे लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो और दूसरी चीज़ फंगल इन्फेक्शन में ये भी है कि ये बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली एक्सपेंड होता है। और अब बात करते हैं ये होता कहाँ कहाँ है बॉडी में। ज़्यादातर मेन रीज़न है और मेन एरिया जो कि फंगल बैक्टीरिया के लिए है, इनको चाहिए जहाँ उनके बॉडी में पसीने आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनके आर्मपिट्स हुए, आर्मपिट्स पर उनको पसीने आते हैं, तो ये इनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती है बैक्टीरिया और फंगी के लिए। और उनके बॉडी पार्ट्स में, उनके प्राइवेट पार्ट्स में, उनके थाइस में, थाइस के बीच में, तो इस जगह सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना स्टार्ट होता है और सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन के लिए वहाँ ही बनती है।
अब अपन बात करते हैं कि हिजामा से इससे क्या रिलेशन है और कैसे हिजामा इसको हेल्पफुल है इस चीज़ को कम करने में या फिर इसको ख़त्म करने में। तो सबसे पहली बात कि हिजामा वर्क करता है ये ब्लड के ऊपर, और ये जो बीमारियां हैं ये ब्लड से इसका रिलेशन है और स्किन से रिलेशन है, दोनों तरह से रिलेशन है इसका। तो बन के ब्लड में जो टॉक्सिसिटी होती है, हिजामा क्यों हेल्पफुल है? हिजामा टॉक्सिसिटी कम करता है, हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है उस इम्बैलेंस को बैलेंस करता है, अपन के रेड ब्लड सेल्स अपन के वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, और हिजामा से जो खून बाहर निकलता है उसमें टॉक्सिसिटी निकल जाती है, रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स जो डेड हुए हुए होते हैं वो निकलते हैं, उसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ने से रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स काउंट बढ़ते हैं, जो अपन का हारमोन्स होता है वो हार्मोन का बैलेंस बनने लगता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, जितनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा अपन उस बीमारी से फाइट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये जो हिजामा है ये एलोपैथी से ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स देता है, क्योंकि डायरेक्टली अपन के स्किन और ब्लड पे काम करता है, इसलिए इसका जो आउटपुट होता है, जो रिजल्ट्स होता है वो एलोपैथी के हिसाब से थोड़ा फास्ट आता है इन कंपैरिजन टू एलोपैथी। सो गाइस, एक रिकमेंडेशन थी कि जयपुर में हिजामा और कपिंग के बारे में लोग बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके बारे में जानिए, पढ़िए, इन कंपैरिजन टू दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जयपुर में हिजामा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग इस चीज़ के लिए अवेयर हैं। तो अगर लोग इससे अवेयर होते हैं तो लोग से इससे सेहतमंद हो सकते हैं, लोग इस थेरेपी को यूटिलाइज करके सारी बीमारियों से सारी उनके जो परेशानियां हैं, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम से वो दूर हो जाते हैं। अगर आप किसी को भी देखते हैं